नमस्कार बच्चों, आज हम 6वीं कक्षा के पाठ 13 आया आए आई आई पाठ को अभ्यास करेंगे। आया का मतलब है केम, लेकिन हिंदी में लिंग और वचन के आधार पर अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आया शब्द को पुल्लिंग एक वचन यानी मस्कुलाइन सिंगुलर शब्द को उपयोग करते हैं और आए शब्द को पुल्लिंग बहुवचन यानी मस्कुलाइन प्लूरल शब्दों को और बड़ों को आदर करते समय मतलब रेस्पेक्ट देते समय उपयोग कर सकते हैं। अगले शब्द है आई। आई शब्द को हम स्त्रीलिंग एकवचन यानी फेमिनाइन सिंगुलर शब्दों को उपयोग कर सकते हैं। आई शब्द को स्त्रीलिंग बहुवचन यानी फेमिनाइन प्लूरल शब्दों को उपयोग करते हैं। अब हम पाठ में दिए गए वाक्यों से अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य है माली बगीचे से आया यानी द गार्डनर केम फ्रॉम द गार्डन। यहाँ पर माली पद को देखिए, माली पद पुल्लिंग एकवचन है, मैस्कुलाइन जेंडर सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए अंत में देखिए हमने आया पद का उपयोग किए हैं। दूसरा वाक्य देखिए, वह फूल लेकर आया यानी ई बॉट फ्लावर्स। यहाँ पर वह पद का उपयोग किया गया है, वह मतलब माली है, माली पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए अंत में यहाँ पर हमने आया पद का उपयोग किए है। अगले वाक्य देखिए, दादाजी बाजार से आए, ग्रैंडफादर केम फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर दादाजी हमसे बड़े हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इस वाक्य के अंत में आए पद का उपयोग किए हैं। अगले वाक्य देखिए, गरम जलेबी लाए, ई ब्रॉट हॉट जलेबी। यहाँ पर दादाजी ने गरम जलेबी लाए हैं। पहले वाक्य में दादाजी को रिस्पेक्ट देते हुए हमने किस तरह आए पद का उपयोग किए हैं, उसी तरह दूसरे वाक्य में लाए पद का उपयोग किए गए हैं। अगले वाक्य देखिए, वनिता पाठशाला से आई, वनिता केम फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पर वनिता पद को देखिए, वनिता एक वचन स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए अंतिम में हमने आई पद का उपयोग किया है। अगले वाक्य देखिए, वह परीक्षा देकर आई, वह मतलब वनिता, इसलिए अंत में यह आई पद का उपयोग किया है। अगले वाक्य देखिए, इसमें चिड़िया आई, इसका मतलब है बर्ड्स केम, चिड़िया। इसमें स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर आई पद का उपयोग किया है। चिड़िया दाने चुगाने आई, बर्ड्स केम टू फीड। इन वाक्यों में चिड़िया पद स्त्रीलिंग बहुवचन है मतलब फेमिनिन जेंडर प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर आई पद का उपयोग किया गया है।